मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। टुडे वी विल सी मेंसुरेशन पार्ट वन। यहिया मेंसुरेशन, इन मेंसुरेशन चैप्टर वी विल सी द एरिया ऑफ प्लेन फिगर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर and perimeter of plane figure and surface area of solid figure. Today we will study about the area of plane figure. Number one is the rectangle. उसे आयत कहा जाता है। In a rectangle there are four sides. Opposite sides are parallel and equal. Opposite sides are parallel and equal. The length and breadth present in the rectangle. Side in a rectangle ABCD. Side AB is parallel to the side BC. Side BC is parallel to the side AD. Length of AB is equal to the length of CD. Length of BC is equal to length of AD. Diagonal is the BD, where in a rectangle there are four angles should be 90 degree. Angle between the two adjacent sides should be 90 degree. Diagonal block rectangle BD is equal to root of L square plus B square, means root of length square plus breadth square. Area of rectangle ABCD is equal to length into breadth, means L into B. Next figure is the square. In square there are four sides and all sides are equal and parallel to each other. Side AB is equal to side BC is equal to side CD is equal to side AD. Suppose side length of side is equal to A, then the diagonal in square ABCD, diagonal BD, diagonal is equal to BD is equal to root of 2 into side. Therefore BD is equal to root of 2 into A. Area of square ABCD is equal to side square is equal to A square, means जो चौरस का एरिया है, स्क्वायर का एरिया, वो होता है बाजू का वर्ग, और रेक्टेंगल में होता है लंबी इनटू रुंदी। नेक्स्ट फिगर इज पैरेललोग्राम, इसे समांतर भुज चौकोन कहा जाता है। इन पैरेललोग्राम देर आर फोर साइड्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, साइड पी क्यू पैरेलल टू द साइड आर एस, साइड पी एस इज is parallel to the side QR. The diagonal of parallelogram is bisect to each other, means समांतरभुज चौकोन में चार बाजुएं रहती है और अपोजिट जो साइड्स है वो पैरेलल रहती है एक दूसरे के साथ, और इसका डायगोनल ये 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। एक सपोज साइड PQ ये है और साइड क्यू आर है बेस डी, और परपेंडिकुलर एस से, पॉइंट एस से परपेंडिकुलर इसको एक्सटेंड करके, बेस को एक्सटेंड करके यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो ये हो गया एच, ये जो है ये है एच। अब पैरेललोग्राम में एरिया पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस क्या होगा, तो बी इंटू एच हो जाएगा, बी इंटू एच हो जाएगा, मतलब बेस इंटू हाइट हो जाएगी। अब इसका भी नेक्स्ट और दूसरा एक फार्मूला है कि टू टाइम्स ऑफ
2 times of s into s minus a into s minus b into s minus c. अब यहाँ पे s है क्या? तो s है ये a मतलब साइड a, साइड b और साइड मतलब ये जो c अपन डायगोनल बोलेंगे, साइड की लेंथ, बेस की लेंथ और ये डायगोनल, इनके एडिशन डिवाइडेड बाय 2 यानी s है. तो ये s निकाल के हम एरिया भी निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम का. नेक्स्ट फिगर है ट्रेपेजियम. अब ट्रेपेजियम है जब फोर साइड्स, इसे समलंब चौकुंभ भी कहा जाता है. इसमें चार बाजुएं रहती है, चार भुजाएं रहेंगे. अब इसमें दो, कोई भी दो साइड्स ये दूसरे को पैरेलल रहेंगी लेकिन इक्वल नहीं रहेगी. डायगोनल नीड नॉट बी इक्वल. अब इसके डायगोनल इक्वल नहीं रहेंगे तो एरिया क्या होगा? फिर एरिया है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, मतलब 1/2 इंटू पैरेलल साइड का एडिशन इंटू हाइट. मतलब हो गया एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच. अब एच निकालने का, ये जो हाइट है ये हाइट निकालने का, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स निकालने का एक फार्मूला है कि 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय ए प्लस बी. नेक्स्ट फिगर इज रोमबस. इसे समभुज चौकोण कहते हैं. इसमें भी चार बाजुएं रहती है और चारों बाजू ये उसकी लेंथ सेम रहेंगी. ये चारों बाजू पैरेलल रहती है एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ. इसमें डायगोनल ये अनइक्वल रहेंगे लेकिन डायगोनल ये बाइसेक्ट करेंगे विथ 90 डिग्री. अब रोम्बस और स्क्वायर में एक ही डिफरेंस है कि स्क्वायर में डायगोनल है वो डायगोनल इक्वल रहते हैं और रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं रहते. अब इसमें देखो क्यूआर साइड्स को मैं एक्सटेंड करता हूं और ये स्पाइन से यहाँ पे परपेंडिकुलर निकलता हूं तो ये हो जाएंगे हाइट. तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू डायगोनल d1 इंटू डायगोनल d2. इसमें भी एक और फार्मूला बन सकता है एरिया का कि साइड इंटू हाइट, मतलब ये इंटू एच. सपोज डायगोनल दिए रहे तो साइड कैसे निकाल सकते रोम्बस की? तो साइड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. इन द राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज द 90 डिग्री. देर आर थ्री साइड्स. वन साइड is the longest side which is called as hypotenuse and other two adjacent sides are perpendicular to each other. Here in triangle ABC, triangle ABC, BC is the base, AB is the height and AC is the hypotenuse. In triangle ABC, angle B is equal to 90 degree and other two angle is equitangle. Means katkon trikon ABC में angle B 90 degree है और ये दो angle 90 degree से कम है, मतलब लघुकोण है, जिसे equitangle कहते हैं. तो area of triangle क्या हो जाएगा? Area of triangle is equal to 1/2 into base into height, मतलब 1/2 into B into H. हाइपोटेनियस निकालने का फार्मूला है बाय पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनियस इज इक्वल टू एसी इज इक्वल टू रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. मतलब ये जो 90 डिग्री करने वाली जो एडजेसेंट साइड है दोनों का स्क्वायर और उसका एडिशन, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. नेक्स्ट है स्केलन ट्रायंगल. इसे विशाल कोण त्रिकोण कहते हैं. इन स्केलन ट्रायंगल देर आर थ्री साइड्स
and all three sides are unequal. The area of triangle PQR is equal to root of S into S minus A into S minus B into S minus C, where S is equal to A plus B plus C divided by 2. अब आपको पहले जो विशाल कोण त्रिकोण में दी हुई साइड्स है उसका एडिशन करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, उसके ऊपर से आपको S की वैल्यू मिलेंगी और उस S की वैल्यू से आप एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फिगर आइसोस्केलस ट्रायंगल, इसे समद्विभुज त्रिकोण कहते हैं। इसमें दो साइड्स इक्वल रहती है और द इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल्स विद द थर्ड साइड्स, मतलब ये जो साइड्स है इक्वल साइड्स, ये एक तीसरी बाजू के साथ में इक्वल एंगल बनाते हैं। बोले तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में 45 डिग्री एंगल रहेंगे, ये दो एंगल रहेंगे, मतलब एंगल क्यू और एंगल आर ये 45 डिग्री रहेंगे, सेम रहेंगे, और ये तीसरा एंगल उसके ऊपर से ये रहेगा फिर, क्योंकि पूरे तीनों एंगल की जो सम है बेरिज है वो रहती है 180 डिग्री। तो ये जो तीसरा जो एंगल रहेगा, तीसरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। तो समद्विभुज त्रिकोण में मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल रहेंगे, दो बाजू ये इक्वल रहेंगी, और हाइट अभी इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी साइड से बेस के ऊपर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं तो ये हो जाएंगी मेरी वर्टिकल हाइट, मतलब एच हो जाएंगी। इसमें पी क्यू ये स्लैंट हाइट हो जाएगी, पी पॉइंट पी से वर्टासिस पॉइंट पी से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं एम पॉइंट के ऊपर, तो मेरी जो साइड है क्यू आर मतलब बी बेस, इसका ये मिड पॉइंट हो जाएगा एम, तो क्यू एम का लेंथ हो जाएगा बी बाय टू और एम आर का लेंथ हो जाएगा बी बाय टू। तो अभी देखो इसके ऊपर से हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो गया अपना स्लैंट हाइट यानी डायगोनल हो गया, और बेस हो गया बी बाय टू और हाइट हो गई मतलब परपेंडिकुलर एच, तो उसके ऊपर से हाइट निकाल सकते हैं हम। एच इज इक्वल टू क्या होगा, स्लैंट हाइट का स्क्वायर रूट ऑफ स्लैंट हाइट का स्क्वायर माइनस बी बाय टू होल स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में आइसोस्केलस ट्रायंगल में एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये बेस और ये हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा आइसोस्केलस ट्रायंगल। समझ में आया आपको, ये ध्यान में रखना स्लैंट हाइट और ये है परपेंडिकुलर हाइट जिसे हम वर्टिकल हाइट भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट फिगर है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों बाजू ये है ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड ऑल थ्री एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। ये तीनों एंगल सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे और 60 डिग्री के रहेंगे। एंगल एल एंगल एम एंगल एन इज इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री होगा। जिसकी लेंथ है तीनों साइड्स की लेंथ है ये मतलब इक्वल है, एल पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं ऑन द बेस एमएन पी पॉइंट के ऊपर, तो ये हो जाएंगे हमारी वर्टिकल हाइट एच हो जाएंगी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको एरिया निकालते समय एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड स्क्वेयर हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ इक्विलैटरल होता है रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड स्क्वेयर। अब तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखो रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड यानी क्या है, ये है तो ये का स्क्वेयर रूट ऑफ 3/4 इंटू ये स्क्वेयर। अब इसमें हाइट एच निकालने का फॉर्मूला मैं बताता हूं, हाइट एच इज इक्वल टू रूट ऑफ 3/2 इंटू साइड होता है, तो क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू रूट ऑफ 3/2 इंटू ये। नेक्स्ट फिगर देखते पेंटागन पंचकोण कहते हैं इसे।
पेंटागन में 5 इक्वल साइड्स रहेंगे और इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन रहेगा 108 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन रहेगा 72 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल ये है। आप इसमें कोई भी वर्टाइसिस पॉइंट उसके अपोजिट साइड्स में परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो आपको ये मिड पॉइंट मिल जाएगा, सेंटर पॉइंट मिल जाएगा आपका पेंटागन का, और उसे वर्टाइसिस पॉइंट के साथ जोड़ते तो आपको 5 इक्वल आइसोस्केलर ट्रायंगल मिलते हैं। तो 5 इक्वल आइसोस्केलर ट्रायंगल का मतलब एरिया का एडिशन करेंगे तो पेंटागन का आपको एरिया मिल जाएगा। अब क्या करता हूं मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ। एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 1.7205 इंटू साइड स्क्वेयर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ पेंटागन, मतलब हो गया 1.7205 इंटू ए स्क्वेयर। नेक्स्ट फिगर है हेक्सागन। हेक्सागन में 6 इक्वल साइड्स रहते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन रहता है 120 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन रहता है 60 डिग्री और 6 साइड्स इक्वल रहेंगी। उसमें आप ये कॉर्नर टू कॉर्नर पॉइंट जोड़ते हैं और ये कॉर्नर टू कॉर्नर पॉइंट जोड़ते हैं तो आपको सेंटर पॉइंट ऑफ हेक्सागन मिलेगा। उस सेंटर पॉइंट से आप सभी वर्टाइसिस जोड़ते हैं तो आपको 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेंगे। अब 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल इंटू 6 करते हैं तो आपको एरिया ऑफ हेक्सागन मिलेगा। मतलब फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 6 इंटू रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड स्क्वेयर। यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए स्क्वेयर। अब देखो ये एक फ्लैट साइड है और इसके अपोजिट वाली ये फ्लैट साइड है, तो डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट साइड का डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला है रूट ऑफ 3 इंटू साइड ऑफ हेक्सागन। अब डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट वर्टेक्स मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस निकालना है, ये कॉर्नर इसका एग्जैक्ट अपोजिट ये इसका डिस्टेंस निकालना है तो आपको 2 इंटू साइड ऑफ हेक्सागन करना पड़ेगा। नेक्स्ट फिगर इज द सर्कल वेयर आर इज द रेडियस एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, देन द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, या फिर डायमीटर दिया रहा तो पाई डी स्क्वेयर बाय 4। नेक्स्ट फिगर है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में आर इज द रेडियस एंड डी इज द डायमीटर, वेयर डी इज द डायमीटर, देन द एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर बाय 2, डायमीटर दिया रहा तो पाई डी स्क्वेयर बाय 8। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, अब सेक्टर ऑफ सर्कल में ये देखो आप ये सेंटर है और ये आर्क है तो सेक्शन ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए सेक्टर। द सेक्शन ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का एक सेक्शन है इसे सेक्टर कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स इन ए सर्कल द एरिया सबटेंडेड बाय 2 रेडियाई एंड द लेंथ ऑफ द आर्क इज कॉल्ड एज सेक्टर। ये दो रेडियस है, दो रेडियस ये भी और ये सी दो रेडियस है, दो रेडियाई मिलके एक आर्क बनाते हैं तो इसे कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। और इसमें एंगल भी रहेगा तो ये एंगल रहेगा थीटा, मतलब एंगल बिटवीन द सेक्टर ये क्या हो गया थीटा हो गया। और आर रेडियस है, ये बीसी है लेंथ ऑफ आर्क, देन द एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। या इसी के साथ एरिया ऑफ सेक्टर हो सकता है लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। नेक्स्ट फिगर देखते हैं हम सेगमेंट। तो इफ अ स्ट्रेट लाइन डिवाइड्स अ सर्कल इंटू 2 पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड एज सेगमेंट। हियर दिस सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ माइनर सेगमेंट एंड दिस पार्ट इज मेजर सेगमेंट। स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज माइनर सेगमेंट एंड बिगर पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट। हियर इन ट्राइंगल ओ ए सी इज द आइसोस्केलर ट्राइंगल
O A B C is the area of the sector and segment ABC. This portion, hatching portion, is the segment ABC. Area of segment is equal to area of sector OABC minus area of isosceles triangle OAC. Here area of segment ABC is equal to area of sector OABC OABC minus area of isosceles triangle OAC. Therefore, area of sector OABC is equal to theta divided by 360 degree into pi r square minus area of isosceles triangle is equal to 1 by 2 into r square into sin theta. Here r square and r square is the common. Then r square is equal to theta divided by 360 into pi minus sin theta divided by 2 is the segment area of segment ABC. Next figure is the hollow circular ring, or this portion is the shaded ring. Here O is the center of this hollow circular ring, where capital R is the radius of outer circle, bigger circle ki radius hai capital R, or radius of inner circle hai small r. R is the radius of inner circle. Therefore mean diameter is equal to MD is equal to capital R plus small r, matlab radius of outer circle plus radius of inner circle. Then thickness is equal to t is equal to thickness, ye jo hongi thickness in between two circle, ye jo hai ye hogi t, ye rahega capital r minus small r. Then area of ring, area of hollow circular ring is equal to pi into mean diameter into thickness. Therefore pi into MD into T. Ya phir area of hollow circular ring is equal to pi into capital R square minus small r square. Next figure is the ellipse. In ellipse there are two axes. One is the major axis and another is the minor axis. Here in this figure AB is the major axis and CD is the minor axis. AB is equal to major axis is equal to 2 into A and CD is equal to minor axis is equal to 2B. Therefore area of ellipse is equal to pi into A into B.